चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि इंडिया में एमबीबीएस के लिए एडमिशन नीट स्कोर पर होता है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म हैं जो नीट के एग्जाम से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने पहले वीडियो बना के बताया था कि कौन कौन से फॉर्म हैं जो नीट के एग्जाम से पहले फिल करने हैं। तो इसमें एक आईपीयू का भी फॉर्म होता है जो एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए नीट रिजल्ट से पहले ही भरा जाता है। हालांकि ये काउंसलिंग के टाइम में भी रीओपन होते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उस समय भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको इसमें इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन सी कॉलेज आती है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कौन सी कैटेगरी के लिए रह सकती है 2023 के लिए, और इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे, स्टूडेंट को कहां कहां प्रॉब्लम आती है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। तो इसकी वेबसाइट ipu.admissions.nic.in है। इस पर जैसे ही आप विजिट करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर एडमिशन ब्राउजर जनरल प्रोग्राम 2324 लिखा है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन इसमें जो इसकी कंडीशन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आईपीयू रजिस्ट्रेशन 23 लिखा है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। तो इस आईपीयू के अंडर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर 5 कॉलेज आती है एमबीबीएस के लिए, और एक कॉलेज ईएसआईसी डेंटल का है, बीडीएस का आता है। ये सारे कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अब जैसे ही नीट का एग्जाम हो जाता है उसके बाद में काउंसलिंग होती है, एमसीसी सेंट्रल काउंसलिंग करवाता है, बाकी स्टेट काउंसलिंग करवाता है। तो आईपीयू जो काउंसलिंग करवाता है वो दिल्ली स्टेट कोटा की सीटें हैं उनकी काउंसलिंग आईपीयू द्वारा करवाई जाती है। लेकिन इसमें दो कॉलेज हैं, एक 4 नंबर पर एक और 5 नंबर पर है, वीएमएमसी है और डॉक्टर आरएमएल है। इन दोनों की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा 100% सीट्स के लिए करवाई जाती है, यानी कि स्टेट कोटा के लिए और इंडिया कोटा के लिए दोनों के लिए ही इन दो कॉलेजों की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा करवाई जाती है। इसके बाद में 3 कॉलेज आपके एमबीबीएस के बच गए, जिसमें एसीएमएस है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है और एनडीएमसी है। ये जो 3 कॉलेज, इनकी 15% के लिए तो एमसीसी द्वारा करवाई जाती है काउंसलिंग, लेकिन 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग आईपीयू यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जाती है। जो डेंटल के लिए ईएसआईसी है इसकी भी 100% सीट्स के लिए एमसीसी काउंसलिंग करवाती है, पूरी 62 सीट्स के लिए। तो ये तो हो गया कौन एडमिशन देगा हमारे को, आईपीयू किन किन कॉलेजेस की काउंसलिंग करवाएगा और एमसीसी किन कॉलेज की काउंसलिंग करवाएगा, इसके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए इलिजिबल कौन कौन है। जो 3 कॉलेजेस यानी कि गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है, स्टेट कोटा के लिए जो एडमिशन दिया जाता है, तो ये 85% स्टेट कोटा के लिए कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट्स ने एनसीटी ऑफ दिल्ली या फिर गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेज या स्कूल है वहां से अगर 10+2 11th और 12th पास कर रखी है, वो कैंडिडेट दिल्ली स्टेट कोटा यानी 85% स्टेट कोटा की सीट ले सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस में सीट ले सकते हैं? एनडीएमसी और बाबा साहेब में। इन दो कॉलेजों में 85% के लिए जिन कैंडिडेट्स ने 11th और 12th क्लास दिल्ली एनसीटी से पास कर रखी है या फिर गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्कूल या कॉलेज से कर रखी है, तो वो कैंडिडेट यहां एडमिशन ले सकते हैं 85% दिल्ली कोटा के लिए इन दो कॉलेज में। अब इसमें हम एक बार इसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोचर में सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्टेंट डेट्स। तो इसके 19 मार्च से फॉर्म स्टार्ट, हालांकि 22 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इसकी क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल 2023 है। तो जिन बच्चों को एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेना है तो वो 30 अप्रैल 2023 तक इस आईपीयू की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि इसके रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के टाइम में भी होते हैं, नीट का एग्जाम लग जाएगा उसके बाद नीट का रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट्स की काउंसलिंग होगी, तब स्टेट कोटा की सीट के लिए आईपीयू से आईपी द्वारा फिर से फॉर्म रीओपन किए जाएंगे और आप तब भी फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस 1500 है।
आईपीओ में दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है और फिर काउंसलिंग के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसकी फीस 1500 है और इसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी फीस 1000 रुपीज है। तो आपको दो रजिस्ट्रेशन करने हैं जिसमें एक रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं या फिर आप दोनों रजिस्ट्रेशन नीट रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं। तो ये आपको काउंसलिंग के टाइम में हम बता देंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। अब इसमें यहां पर हम देखें कि नीट के थ्रू आईपीओ के लिए कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन होते हैं। तो एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, इन सब कोर्सेज के लिए नीट की एग्जाम यानी नीट यूजी 23 के स्कोर पर इसमें एडमिशन होता है यहां पर। इसके बाद में इलिजिबिलिटी जो है इन सभी कोर्सेज के लिए, वो जो नीट की इलिजिबिलिटी है वही इसमें सेम ही है। इसके बाद में बीएमएमसी और आरएमएल की काउंसलिंग 15% और 85% के लिए एमसीसी द्वारा करवाई जाती है और नॉर्थ दिल्ली और बीएससी की काउंसलिंग करवाई जाती है आईपीओ द्वारा। सीट्स का मैंने बता दिया है कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं और कौन कौन सी कॉलेज के लिए आईपीओ काउंसलिंग करवाता है। अब जो एससीएमएस है उसके अंदर आर्मी यानी कि जो डिफेंस के बच्चे हैं आर्मी के, वो 78 सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं। यहां इसमें 100 सीट्स हैं टोटल, इन 100 सीट्स में 78 सीट्स से आर्मी वार्ड्स के लिए हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, वो चाहे सर्विस कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं, वो इसके लिए इलिजिबल हैं। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स इलिजिबल हैं यहां दिया गया है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं आर्मी के कौन कौन से बच्चे इलिजिबल हैं। आर्मी के अलावा इसमें और भी सीटें होती हैं, जैसे डीएससी की जो सीटें होती हैं दिल्ली एससी कैटेगरी की 14 सीट्स हैं, ऑल इंडिया की एससी कैटेगरी की भी एक सीट है, एसटी कैटेगरी की भी एक सीट है, जिनमें जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली से ही 11th 12th पास, अगर आउटसाइड से भी आप हैं दिल्ली के आउटसाइड से तो भी एक सीट ऑल इंडिया एससी कैंडिडेट्स के लिए है और एक सीट ऑल इंडिया एसटी कैंडिडेट के लिए। 14 सीट्स डीएससी यानी दिल्ली एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं, एक सीट इसमें सॉरी 4 सीट्स इसमें दिल्ली डिफेंस के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें 100 सीट्स हैं, 78 सीट्स आर्मी पर्सनल के लिए हैं इसमें, जो बच्चे आर्मी बैकग्राउंड से जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं उनके लिए ये सीट्स। अब एक बार इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देख लेते हैं। तो जहां तक है ये तो देखो कट ऑफ का देखा जाए जहां तक होता है वो रिजल्ट आने के बाद में ही होता है, कैसा पेपर आता है, कितनी रैंक आती है। फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जनरल कैटेगरी की 650 मार्क्स पर जा सकती है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 635, ओबीसी की 615, एससी की 500, एसटी की 380 और आर्मी पर्सन्स की 600 कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक आइडिया है, पेपर होने के बाद ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जा सकती है इसमें। अब ये फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि अप्लाई करने में भी काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आप इसमें ipu.admission.nic.in पर विजिट करेंगे, आईपीओ रजिस्ट्रेशन 23 पर यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फेस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, इसके बाद में कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ फिल कर दें और पासवर्ड क्रिएट करके सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट पर क्लिक करें। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करें, या फिर आपने इस डिटेल को एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करें या फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। ओटीपी आएगा मोबाइल पर, ईमेल पर, वो ओटीपी फिल करें, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें यहाँ पर। उसके बाद में जो आपने यूजर आईडी बनाया है, पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, वो यहाँ पर डालें। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन करें। साइन इन करने के बाद में ओटीपी किस पे लेना है, मोबाइल पे लेना है, ईमेल पे लेना है, किसी एक पर सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अभी प्रोफाइल सेक्शन में जाके एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और व्यू फील्ड फॉर्म, ये स्टेप्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपने अगर एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं तो एमबीबीएस के लिए यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। एमबीबीएस के अलावा बीडीएस पर भी करना है तो एक बार एमबीबीएस पर करके फिर बीडीएस पर कर दें। इसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर्सनल डिटेल डालें,
पर्सनल डिटेल डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ फिल करें, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आपने यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर TC वगैरह जो भी आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ 10th की मार्कशीट मान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपके पास में जो आपने पहले ये एप्लीकेशन फिल कर दिया, यहाँ पर व्यू फील्ड फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो आपने फिल किया है ये एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको दिखाई देगा। सामने आपको चेक बॉक्स मिलेंगे, आपकी फोटो शो होगी और जो आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसके सीरियल नंबर आपने लिख देना है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, इन दोनों के सामने चेक बॉक्स अपीयर होगा। चेक बॉक्स पर आपने चेक करना है और उसके बाद में सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो व्यू फील्ड फॉर्म आएगा, इसमें आप व्यू कर सकते हैं कि आपने क्या फिल किया है। अगर उसमें एडिट करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप सबमिट कर दें। यहां पर होम का ऑप्शन आएगा, सॉरी एडिट का यहां नहीं आएगा, यहां पर सीधा ही होम का ऑप्शन आएगा। होम के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस आप यहां पर आ जाएंगे, यहां पर वापस इसी स्टेप्स पर आ जाएंगे। अब यहां माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अप्लाई किया है MBBS के लिए वो शो होगा। अगर फिर भी यहां पर शो नहीं होता है तो आप फिर से उसमें जाएंगे MBBS वाले कॉलम में और यहां नंबर डाल के कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, होम पर जाने के बाद में हम कहां जाएं, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो होम पर जाने के बाद में वापस आप अपने एप्लीकेशन में आएंगे तो फिर वापस आप एक बार फिर जहां पर आपने MBBS के लिए सिक्योरिटी पिन डाल करके कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल पर क्लिक किया तो वहां फिर से आप क्लिक करें, तो फिर से क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर भी आता है, अगर ये माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो अप्लाई फॉर पर क्लिक करने से ये ऑप्शन आ जाएगा। माई एप्लीकेशन पर ये क्लिक करने से ऐसा ऑप्शन आता है तो फिर यहां पर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये आपका यहां तक रजिस्ट्रेशन था, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल अपलोड, डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक इमेजेस, प्रीव्यू एंड फाइनल और पे रजिस्ट्रेशन फीस। ये फॉर्म अगर आपने नीट का फॉर्म फिल किया है तो सेम टू सेम नीट के फॉर्म की तरह ही आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा आ गया, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो इनकम्प्लीटेड है। तो ये नीट के फॉर्म की तरह ही है, मोबाइल नंबर आपके वेरीफाइड हो गए, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। अभी आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी डिटेल आपको देनी है, डिटेल देने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर फिल करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल अपलोड, सेम नीट के फॉर्म की तरह ही आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो इस प्रकार से आप IPO का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये जानकारी थी IPO के फॉर्म की, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर फिर भी आप नहीं फिल कर पाते हैं तो नीट का एग्जाम होने के बाद में काउंसलिंग के टाइम में आराम से फिल कर सकते हैं। जो भी कंडीशन थी मैंने आपको सारी बता दी है, फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो कॉमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। नीट रिलेटेड हो गया, नेक्स्ट एग्जाम रिलेटेड हो गया, जो स्टूडेंट MBBS कर रहे हैं उसके रिलेटेड भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।